जाने वाले जाने वाले दिल को यूं तड़पाने वाले ना जाओ दिल तोड़ के ओ जाने वाले ओ जाने वाले। सो हेलो गाइस, वेलकम टू द अनदर वीडियो। अभी आ चुके हैं धर्मेंद्र सोलंकी भुर्जी, जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं और उसके साथ ही साथ वो बिरहा भी गाते हैं। तो अभी उनसे गाना भी सुनेंगे, उनके स्ट्रगल लाइफ के बारे में भी सुनेंगे। और यहाँ देख सकते हैं टाटा स्टॉर्म गाड़ी यहाँ पे देख सकते हैं, और वो वाला जो घर है ना वो गेस्ट रूम बनवाया जा रहा है कि धर्मेंद्र सोलंकी जी यहाँ पे महीने में एक हफ्ता रहते हैं, तो वहाँ पे मिलने के लिए जो भी आता है उसके लिए यहाँ पे गेस्ट रूम बनवाया जा रहा है। अभी इनका यहाँ पे घर जो है वो बन रहा है, यहाँ पे पेंटिंग डेंटिंग का काम भी चल रहा है। वहाँ सामने देख सकते हैं, और वहाँ ऊपर देख सकते हैं तो वहाँ पे समाजवादी पार्टी का झंडा भी लगा हुआ है। गाइस, धर्मेंद्र सोलंकी जी के घर अगर आना चाहते हैं तो ये है मईल चौराहा, और ये जो रास्ता जाता है देवरिया जाता है, और वो सामने आपको मईल चौराहा सलेमपुर में पड़ता है, जो यहाँ से देवराहा बाबा जो मंदिर है उर्सी के पास मईल चौराहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं आवास धर्मेंद्र सोलंकी भूर जी, प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी सांस्कृति प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश। यहाँ पर इनका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी है, तो आप इनसे संपर्क करना चाहते हैं तो बिल्कुल आराम संपर्क कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं उनके घर और उनसे बहुत सारे बातें करने वाले हैं। तो अभी आ चुके हैं धर्मेंद्र सोलंकी जी के घर पे। ये है इनके छोटे भाई, बड़े भाई तो मिल नहीं सकते क्योंकि वो अच्छा है तो चुनाव चल रहा है। सुरेंद्र सोलंकी नाम है। तो सबसे पहले धर्मेंद्र सोलंकी जी कौन है, जो सब लोग तो जानते हैं लेकिन कुछ लोग नहीं जानते, उनको बताएं। धर्मेंद्र सोलंकी जी मेरे बड़े भाई हैं, ठीक है, और वो हमेशा पिता का दर्जा हम लोग देते हैं, और मतलब हर चीज़ में हर व्यवस्था में हम लोग को हम सुख खुशी रहते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहता है। हम घर पे रहते हैं, छोटा वाला भाई अधिकारी हैं, नोएडा रहते हैं। अच्छा, सब यही सब है। और धर्मेंद्र सोलंकी जी समाजवादी पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और पूरा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ चुनाव से लेके हर व्यवस्था तक देखते हैं। अच्छा। चुनाव का भी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जहाँ जहाँ मीटिंग लगता है तहाँ तहाँ इनके मंच को सौंप दिया जाता है, और अपने हिसाब से मंच की व्यवस्था करना, और गायकी के माध्यम से समाजवादी पार्टी का प्रचार करना, विरोधी के नीतियों के बारे में बताना, पार्टी के नीतियों के बारे में बताना, हर का मतलब जो समाजवादी इनका जान है समाजवादी सब कुछ है, हर रग में इनके समाजवादी बसा है। तो इनका मतलब सुनने में क्या, देखने में देखा हूँ यूट्यूब पर इनका चैनल भी है जी, तो उस चैनल पे मैं तो जानता हूँ लेकिन थोड़ा आप भी बता दीजिए किस प्रकार का वीडियो इस पे आता रहता है। एक सोलंकी समाजवादी चैनल है जिसपे सब समाजवादी गाना रहता है खाली। अच्छा, समाजवादी गाना। एक देहाती लहर है जिसमें भोजपुरी गाना रहता है। अच्छा। एक बिरहा बाहुबली है। अच्छा। उसमें भी मतलब उसमें खाली बिरहा रहता है, तीन चैनल का चलता है। अच्छा। तीनों चैनल में वो रहता है। तो अभी यहाँ पे जगह का स्थान का नाम बता दीजिए। ये देवराव बाबा की तपोभूमि है, मईल चौराहा है। अच्छा। और मईल चौराहा से मतलब 100 कदम की दूरी देवरिया वाला रोड में बगही गाँव है मेरा। अच्छा। जी, बगही गाँव में मेरा मकान है। अच्छा। और बगाई छोड़िए मोहल्ले चौराह समझिए, सब मोहल्ले चौराह में। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे बाढ़ आया है मईल चौराहा पे, जैसा कि इस वीडियो में क्लिप में देख सकते हैं कि यहाँ पे बाढ़ आया है, और लोगों के सुविधा के लिए जो बाढ़ में फंसे हैं गांव के, जो फंस चुके हैं लोग, उनको मतलब क्या क्या मतलब अपना ओर से योगदान। जैसे बाढ़ तो अभी एक हफ्ता हुआ बाढ़, हमारे चौराहे के बगल में बख्ती गांव है, मोइल गांव है, देवार है, सब बाढ़ से एकदम प्रभावित लोग हैं, और इस सरकार में कोई सुविधा नहीं था, और जो विधायक है, जो मंत्री अभी मंत्री भी हैं हम लोग के बगल में, सब लोग हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जो भी कार्यकर्ता हो, जो भी साथी हो, जितना तक अपने सक्षम हुआ उतना तक लोगों को पहुंचाया, अपने गाड़ियों से जहाँ जहाँ जिनको जाना था वहाँ वहाँ पहुंचाया गया। अच्छा। और हर सुविधा को उपलब्ध कराया गया। कितने दिनों के लिए मतलब सुविधा प्रदान की गई, जैसे अभी बता रहे थे कि बीजेपी के कुछ लोग मतलब मिला है लेकिन 10 ही दिन के लिए। हाँ, 10 ही दिन के लिए मिला है। हम लोग तो जब तक
बाढ़ रहेगा, लोग फंसे रहेंगे, तब तक उन लोगों को व्यवस्था करते हैं। नहीं है कि दो दिन करने के बाद दो दिन पटा जाएं। आज जब तक अभी कोरोना काल में हम लोग हमेशा 2,000-3,000 लोगों को राशन दिया था, तो मतलब हर व्यवस्था दिया था रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, जो बाहर से भी आ रहे थे उन लोगों के लिए देखभाल करना, जनरेटर चलाना, हर व्यवस्था में हम लोग समाजवादी कभी पाछे नहीं रहते, हमेशा हम लोग सेवा में ही हम लोग लगे रहते हैं। अच्छा, आपके बड़े भैया जो हैं धर्मेंद्र सोलंकी जी, वो मतलब बिरहा टाइप का मतलब गीत गाते हैं, है ना? बिरहा का बहुत बड़ा सरताज जीत के आए हैं अभी। अच्छा। 2019 में बिरहा का बाहुबली हुआ था पूरा भारतवर्ष का। हाँ। उसमें एक नंबर भारत विजेता होकर आए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। तो आप उनके मतलब गीत गाते रहते हैं, तो उनके प्रभाव से भी आप कुछ मतलब गाते हैं? नहीं नहीं, हम लोग तो नहीं थे करते हैं, लेकिन जैसे कि घर पे हम लोग घर की व्यवस्था देखना, हर चीज को देखना। अच्छा। जैसे जिस सब के अंदर सब कुड़िया नहीं बसी रहती है, उनका सरस्वती का देन है कि वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुके हैं, और अपने सरस्वती के देन से प्रदेश का कोई ऐसा जगह नहीं जहाँ खड़ा हो जाए तो हम 10 लोग पहचानने वाले नहीं। अच्छा। तो एक बहुत ही मतलब क्वेश्चन करना चाहता हूँ, लेकिन जो समाजवादी पार्टी के सपोर्टर हैं तो वो मतलब जानना चाहते हैं कि अखिलेश भैया की सरकार कब आ रहा है? अब देखिए भाई, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, और सरकार बनेगा, ऐसा नहीं कि सरकार नहीं बनेगा। अभी देखिए कांग्रेस इतना साल राज चलाई, आज पतन हो गया, उसका कोई कोई बोलबाला नहीं है। ऐसे भी बीजेपी चला ले, इसका भी पतन हो जाएगा, हम लोग का भी कभी समय आएगा, सबका आता जाता समय आता जाता रहेगा। और हमको लग रहा है कि 2024 में हम लोग रहेंगे और सरकार अपने कुछ अलग हम लोग करके बनाया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। धर्मेंद्र सोलंकी भैया का जो शुरुआत कब से हुआ था समाजवादी पार्टी में, कैसे हुआ था, इसके बारे में कुछ बता दीजिए। हमको लग रहा है कि 14-15 साल की उम्र में वहाँ सैफई महोत्सव होता है अखिलेश जी के गांव। अच्छा। वहाँ गए थे, वहाँ हर साल बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते हैं, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, बड़े बड़े लोग आते हैं, यश भारती सम्मान भी दिया जाता है। अच्छा। वहीं इनको मौका मिला था गाना गाने के लिए, उसी समय गए थे हम, लेकर साइकिल चलाए अखिलेश के पापा लेके दिल्ली हम चली जाए। उसी समय मुलायम सिंह जी ने अपना सर अपना हाथ इनके सर पर रख दिया, और आज तक उनका ही हाथ था कि यहाँ तक बढ़े हैं। और मुलायम सिंह जी जब भी पार्टी कार्यालय जाते हैं तो बुला के गाना 10-5 मिनट जरूर सुनते हैं, सोलंकी गाना जरूर सुना। आज इस दुनिया में नहीं है, हम लोग बड़ी दुखी हो रहा है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। ये थे धर्मेंद्र सोलंकी जी के छोटे भाई सुरेंद्र जी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, बाय बाय।